चलिए भाई, तो आज मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ 27 अगस्त के करंट अफेयर्स। और इसमें मैं बहुत सारे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और सारी जो जितने भी सेशंस होंगे ना, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स के साथ भी मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल पर चैनल को शेयर भी करिएगा। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ नेम्ड द गवर्नमेंट चिल्ड्रेंस स्कूल इन आदर्श नगर आफ्टर विच ओलंपिक, यानी हाल ही में दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर में सरकारी बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक के विजेता के नाम पर रखा है? नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, रवि कुमार दहिया या फिर ननादीस। तो आई आई थिंक सबने देखा होगा कि किसके नाम पर रखा गया, रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया, जो कि आपको देखने को भी मिला होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ने का लाभकारी मूल्य बढ़ाकर कितने रुपए प्रति क्विंटल कर दिया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द यूनियन कैबिनेट हैज इंक्रीज द रूमरेटिव प्राइस ऑफ सुगर केन टू रुपीज 240, 270, 280 या 290। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 290 रुपए कर दिया गया है। गन्ने का जो है आपका रूमरेटिव प्राइस जो है वो बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, वो कर दिया गया है आपका 290 रुपए। अगर पूछा जाएगा कि हमारे रूरल मिनिस्ट्री किसके पास है, तो रूरल मिनिस्ट्री ध्यान रखिएगा गिरिराज सिंह जी के पास है, अगर पूछा जाएगा तब। आपको आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? वेन वॉज द वुमेन सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड? 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त या 27 अगस्त। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 26 अगस्त। 26 अगस्त को हम प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 100 दिन के अभियान सुजलाम की शुरुआत किसने की? हु रिसेंटली स्टार्टेड द 100 डेज कैंपेन सुजलाम? ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 100 दिन अभियान सुजलाम की शुरुआत जो है वो करी गई। और जल से अगर पूछा जाएगा हमारा जल शक्ति मंत्रालय है किसके पास, तो वो हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण कौन करेंगे? हु अनवील द स्टैचू ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर संपूर्णानंद इन लखनऊ? रामनाथ कोविंद, एम वेंकैया नायडू, योगी आदित्यनाथ या फिर आनंदीबेन पटेल? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे हमारे राष्ट्रपति जी, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद जी। ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको ऑर्डर ऑफ द मेरिट पुरस्कार मिला था जो है गिनी की तरफ से, और इनको जो है किंग ऑफ द मिस मिले अवार्ड मिला था क्रोएशिया की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। 37वीं प्रगति मीटिंग की अध्यक्षता किसने करी है? हु प्रेसाइडेड ओवर द 37th प्रगति मीटिंग? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित सिंह या फिर अमित शाह या फिर आपका निर्मला सीतारमण जी? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। और ध्यान रखिएगा, इनको सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का अध्यक्ष भी बनाया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रिसेंटली संदीप बक्सी हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? हाल ही में संदीप बक्सी को किस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया? आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी और एचडीएफसी बैंक के कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज गिफ्टेड 40 लाइफ सेविंग एम्बुलेंसेज टू विच कंट्री? हाल ही में भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दिया? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर रनौदीस? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। किसको दिया गया है, तो बांग्लादेश को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री हैज स्टार्टेड 100 डेज कैंपेन नेम्ड सुजलाम? सुजलाम नाम से किस मंत्रालय ने 100 दिनों का अभियान शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका जल शक्ति। यही सेम क्वेश्चन आपको दूसरे वे में पूछा गया था इससे पहले। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड मिशन वात्सल्य फॉर वुमेन? झारखंड, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन जो कि आपको पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द ऑनररी चेयरमैन ऑफ द इंडियन फुटबॉल कोचेज एसोसिएशन? भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह, अजीत जोशी, आदित्य ठाकरे या फिर नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे आदित्य ठाकरे। कौन बनाए गए हैं, तो वो आदित्य ठाकरे बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सीपीएल के 2021 सीजन का आयोजन आज से हुआ, सीपीएल का पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए, सीपीएल भी आपका क्रिकेट लीग है, जिसका पूर्ण नाम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कैरेबियन प्रीमियर लीग। आई थिंक इसके बारे में भी जो लोग भी क्रिकेट देखते होंगे उनको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन आरबीआई के कार्यपालक निदेशक यानी ईडी के रूप में अपॉइंट हुआ है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई रिसेंटली? पवन कुमार, अजय कुमार, किशोर सिंह या फिर रमेश ठाकुर? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वो अजय कुमार जी हो जाएंगे। ठीक है, और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हो जाएंगे। आई थिंक ये सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाली एवं राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की घोषणा करी गई,
इसमें किस नेपाली लेखक को इनकी कृति किराया का कोख के लिए पुरस्कृत किया गया? अजय पाटिल, शंकर देव ढकाल, शिवदेव ठाकुर या फिर मान सिंह? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे शिवदेव ठाकुर, जिनको किराए की कोख के लिए जो है आपका नेपाली लेखक को उनकी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैज बीन अनवेल्ड इन विच सिटी? भारत की पहली महिला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई का अनावरण किस शहर में किया गया? विशाखापत्तनम, चेन्नई, हैदराबाद या फिर बेंगलुरु? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, दैट इज इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में किया गया है। और दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपको कि भारत के उपराष्ट्रपति ने कहां पर टीकाकरण भारत अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? वेयर हैज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड द वैक्सीनेशन इंडिया प्रोग्राम? महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका? इस क्वेश्चन का मैं हिंट देता हूं, यहां पे पहला एसी रेलवे टर्मिनल खोला गया है जो कि आपको पूछा जा सकता है, ठीक। और उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो मैं अकेडमी पे मेरी प्लस क्लासेस के लिए क्या करना होता है, या फ्री क्लासेस के लिए क्या करना होता है, या टेस्ट सीरीज के लिए क्या करना होता है कि आपको अन अकेडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। अन अकेडमी एप्लीकेशन जैसे इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे आपको मेरी फ्री क्लासेस, प्लस क्लासेस और प्लस आपको जैसे ही प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बेनिफिट्स लाइक 30+ आपको अनलिमिटेड एसेस मिलता है, 300 क्लासेस पर डे मिलती है, 70+ एजुकेटर हैं, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट है, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 19% ट्रस्टेड लर्नर है जो इसका फायदा उठा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे इंडिया के टॉप बेस्ट एजुकेटर मिलते हैं जिनके बहुत सारे बैच कोर्सेज, जैसे फोनिक्स बैच कोर्स हो गया आपको, उसके अलावा ब्रह्मास्त्र बैच कोर्स हो गया आपको, सफलता बैच कोर्स हो गया आपको, सीजीएल बैच कोर्स हो गया मेन्स के लिए, और लक्ष्य बैच कोर्स हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैच कोर्सेज की जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जो भी आपके डाउट्स होते हैं तो डाउट्स के लिए एक अलग फीचर दिया गया है अकेडमी की तरफ से, जिसमें आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाते हैं, जिसमें आप ईमेल्स के थ्रू भेज सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू भेज सकते हैं, यानी अपने जो भी डाउट्स हैं उसको बहुत ईजिली और अच्छे वे में आप क्लियर कर सकते हैं। प्लस उसके अलावा अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बहुत सारे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 3 महीने, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 महीने, ठीक है। तो बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, ऑफर्स को जरूर जो है आप अप्लाई करिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आप ऑफर्स का फायदा उठा सकें। और संडे को 12 बजे, हर संडे को कॉम्बैट होता है, इस कॉम्बैट को भी जरूर ज्वाइन करें। इसके लिए भी आपको कोड अप्लाई करना होता है, और वो कोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका vimresh@14। इस कोड को अप्लाई करके आप फ्री सब्सक्रिप्शन भी, पेड सब्सक्रिप्शन भी, और जो है टेस्ट क्लासेस भी दे सकते हैं। प्लस पेड सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको यही कोड यूज करना होता है, और वो कोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा vimresh@14, ठीक है। इस कोड को अप्लाई करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और ऑल सेट हो जाते हैं आप एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का सेशन इसे अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।